जय मां शूलिनी। मां शूलिनी के अवतार की कथा हम सभी के लिए एक रहस्य है। सोलन शहर का नाम मां शूलिनी के नाम पर रखा गया है, लेकिन हम में से गिने चुने लोग ही कुछ ऐसे हैं जो मां की कथा को जानते हैं। आज से पहले मां की कथा को जानने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न शायद ही किया होगा। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, मां शूलिनी की कथा की किताब ना मंदिर के आसपास और ना ही कहीं और उपलब्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मां की कथा को लेकर अपने अपने अनुवाद है। इस सिलसिले में हमने काफी लोगों से बातचीत करी और कोशिश करी मां शूलिनी की कथा को जानने की। तो आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ के स्थानीय लोग क्या जानते हैं मां शूलिनी के अवतार के बारे में। ये बता सकते हैं जी, राजा महाराजा पूजमान करते थे और उस टाइम का मंदिर है, उसी सोलन माता के प्रत्यक्ष में देवी माँ का मंदिर बनाया गया जिसे दुर्गा के रूप में पूजते हैं। ये राजे महाराज की टाइम की है जी, और जब राजा आया उन्हें कभी यहाँ तो उनके साथ आई है माता, बता रहे हैं, और पंडित जी भी उनके साथ ही आई हैं, माता जिसकी कुल देवी है। हाँ जी, ये पुराने टाइम की है। तो ये माता रानी माँ दुर्गा का अवतार है, माँ दुर्गा का अवतार है। नहीं, इसका नाम मेरे को सुना। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये स्पेशल सीरीज है जिसमें हम व्याख्यान कर रहे हैं मां शूलिनी के बारे में। आगे के तथ्यों को जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोलन शहर का नाम मां शूलिनी के नाम पर पड़ा है, और मां शूलिनी सोलन के लोगों की अधिष्ठात्री देवी है। सोलन के लोगों की माँ पर बहुत आस्था है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ के अवतरण की पूरी कहानी। आपने सुना ही होगा कि भगवान ने अपने भक्तों को कभी न कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना आभास करवाया है, और अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए किसी न किसी व्यक्ति को चुना है। तो ऐसे ही माँ शूलिनी का एक किस्सा सुनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरज शानू जी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। सूरज जी, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं दीपिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सूरज है, मैं सोलन का ही रहने वाला हूँ, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। मेरी जो स्कूलिंग है वो सेंट लुक सोलन से हुई है, और जो मैंने बीबीए की है मैंने वो एचपी यूनिवर्सिटी से की है शिमला से। उसके बाद मेरी जो एमबीए है वो एमईटी नोएडा से हुई है। और मैं अगर जो अपने प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं, तो मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। सूरज जी, माँ के प्रति आपकी क्या आस्था है? माता के प्रति मतलब बचपन से ही आप लगाओ कि काफ़ी आस्था रही है माता के प्रति। तो बचपन से ही एक हमेशा एक इंतज़ार रहा है कि माता के मेला जो होगा, माता की पालकी, माता की डोली के दर्शन करने का, और भंडारे खाने का बड़ा मज़ा हमेशा आया कि भंडारे जो है वो जगह जगह हमेशा टेस्ट किए। साथ ही साथ माता की ही आशीर्वाद से जैसे ही हम बड़े हुए हैं तो हमने भी कोशिश किया कि कब हो सके तो हम भी कुछ ना कुछ छोटा सा भंडारा माता के नाम का लगाएं। और साथ ही साथ एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि कभी भी रिजल्ट आने वाला होता था तो रिजल्ट आने के पहले भी प्रार्थना करनी माता के पास जाके, और जब पास हो जाना तो भी माता के पास जाके प्रार्थना करनी, धन्यवाद करना माता रानी का कि ये माता रानी आपने पास कर दिया। तो यही सिलसिला चलता रहा, कुछ भी अच्छा कार्य कभी भी किया तो सबसे पहले माता के दरबार में ही जाके माथा टेका है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आस्था हमेशा बचपन से ही रही है, तो शायद तभी माने इस खास कार्य के लिए मुझे। सूरज जी, आप किस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात है सन, अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूँ तो 14/11/2013 की बात है। तो माँ ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि ये जो मेरी अवतार की कथा है वो जन जन तक पहुँचाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे ही मन की कोई बनाई अपनी बनावटी चीज़ तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर मन में स्ट्राइक हुआ कि माँ के अवतार की कथा क्या है। सोलन के हम रहने वाले हैं लेकिन हम ये नहीं जानते
कि माँ की अवतार की कथा है क्या। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मंदिर के पंडित जी के पास गया, पुजारी जी के पास गया, आसपास के लोगों के पास गया, जानने की कोशिश की कि क्या है माता की कथा। लेकिन मुझे कहीं पे भी दिल दे सुकून देने वाला जो है वो कभी जवाब नहीं मिला। तो हाँ, ज़रूर माँ के तथ्यों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर है, वो एक ऐसी कड़ी ज़रूर है जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे कि हमने पहला एपिसोड भी अगर आप लोगों ने हमारा देखा होगा तो उसमें भी जितने भी हम लोगों ने छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए हैं तो काफ़ी लोगों को माता की कथा के बारे में नहीं पता है, मतलब लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं माता के बारे में। बिल्कुल अगर जी, बिल्कुल मैंने भी शुरुआत ऐसी ही की थी कि मैं सबसे पहले क्या होता है कि आप शहर में जाते हैं तो मंदिर ही आपके पास एक दरबार होता है कि सबसे पहले आप वहाँ पे जाएं। तो मैंने वहाँ पे आसपास काफ़ी लोगों से पूछा कि मुझे पता लग जाए कि क्या है असल कथा माता की क्या है। तो मुझे भी बड़ी हैरानगी थी कि हमारे शहर के लोगों को हमें एक वो पता ही नहीं है कि माँ का अवतार क्यों, किस लिए, कैसे हुआ है। ठीक है, तो मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ तो अलग अलग चीज़ें तो जानने को मिली, लेकिन वो सुकून जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं यार लगा कि कहीं ना कहीं जो वो कड़ी है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो ये चीज़ें सहसा चलती रही, ये प्रश्न मेरे मन में चलता रहा बार 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 कि क्या है क्या है। तो कई बार मैं इतना निराश भी होता था, मतलब आपको जान के बड़ी हैरानगी हुई, मेरे घर वाले भी शायद मुश्किल से ये जानते होंगे कि मैं रात रात को माता के मंदिर में जाकर रोता था कि हे माता कि आपने ऐसा क्या कार्य मुझे दे दिया कि मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कभी मैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे माता के दरबार में जाके रोता था कि माता मुझे प्लीज़ कुछ गाइड करो कि मैं कैसे आपके बारे में और डिटेल में जान सकूं। तो फिर कुछ क्या हुआ कि सहसा ही माता ने कुछ ऐसी वो डालते रहे, तो कुछ उसके खुद ही सहसा एक नेचुरली इंस्टिंक्ट कह सकते हैं कि माता ने वो जहन में कुछ ऐसी चीज़ें डाली कि जैसे ही मैं अपने मोबाइल पर खोलता था तो मुझे कुछ ना कुछ माता से रिलेटेड जो है वो जानने को मिला, जिसमें मुझे आस्ते आस्ते समय के साथ पता चला कि माता का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, शिव पुराण में है, लिंग पुराण में है, देवी महात्मा में है, और माता काली के 1000 नामों में भी माँ शूलिनी का जो है एक नाम है। तो वैसे ही मुझे सहसा ही एक माता ने जो है वो रास्ते खोलते गए, माता के बारे में और डिटेल में मुझे पता चलता। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको हर जगह से निराशा जो है वो आपको मिली, तो फिर आपका आगे का स्टेप क्या था? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत जगह सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, विकिपीडिया और काफ़ी सारे जितने भी आप सोशल नेटवर्किंग्स की बात करें उन पे जाके सर्च किया। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं लाइब्रेरी में भी जाके गया, वहाँ पे मैंने कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा स्क्रिप्चर मिल जाए कि जिसमें माता के बारे में और ज़्यादा वर्णन हो। जैसे अगर हम बाकी देवी देवताओं के बारे में देखते हैं तो उनका एक प्रॉपर एक स्क्रिप्चर्स हैं बने हुए जहाँ पे आप उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन माँ शूलिनी के ऊपर कुछ ऐसा नहीं था। तो इस चीज़ से मुझे गिल्ट भी होता रहा, गुस्सा भी आता रहा कि एक कार्य जो है वो माता ने मुझे दिया है लेकिन मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, और एक गिल्ट की फीलिंग ने ही मुझे शायद एक पुश किया कि मैं माता के बारे में और जानूं और जानूं और डिटेल में जो है, लेकिन मैं इसमें माता का ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ही एक मुझे रास्ता दिखाया कि उनकी कथा तक मैं पहुंच पाया। माता की असली कहानी वैसे क्या है? हाँ देखिए दीपिका जी, देखो मैं आज वो आपको, मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको माता की कथा बताऊँ। दीपिका जी, आपको जान के बहुत हैरानगी होगी कि भगवान नरसिंह जो है एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं माँ शूलिनी के अवतार में। जैसे कि सूरज जी ने अभी हमें बताया कि नरसिंह अवतार जो है वो काफ़ी बड़ा कारण रहे हैं माँ शूलिनी के अवतार को लेकर, और मुझे लगता भी है कि आप लोगों को भी ये कहानी नहीं पता होगी। तो आगे की कहानी को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। जय माता।